मिनासान कोनिचिवा नमस्कार। आज की हमारी इस जापानी भाषा एक परिचय कोर्स की दूसरी क्लास में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जापानी भाषा के बारे में कुछ थोड़ा सीखा है। जापानी भाषा की कुछ लिपियाँ जो उसमें प्रयोग में आती हैं वो हम लोगों ने करी हैं, उसके कुछ अंश किए हैं। तो आज भी हम लोग कुछ लिपि करेंगे, कुछ उसकी एक और लिपि जो चित्र लिपि है कांजी लिपि करेंगे, कुछ नए शब्द सीखेंगे और जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार किया था उच्चारण का अभ्यास करेंगे और कुछ ग्रामर पोर्शन करेंगे। तो आइए आज की इस कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं और जापानी सीखते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को पिछली बार की जो हमारी क्लास हुई है उससे जापानी भाषा के उच्चारण में कुछ सुविधा मिली होगी। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी क्लास को। पिछली बार हमने आपके साथ अभिव्यक्तियाँ करी हैं, तो उसी में ये एक और अभिव्यक्ति है, या कहिए एक और एक्सप्रेशन है। और क्या है ये देखिए, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, सूरज निकला हुआ है और क्या कहते हैं हम, कोनिचिवा कहते हैं। तो कोनिचिवा क्या है? कोनिचिवा का वास्तविक अर्थ है गुड डे, यानी कि दिन के समय जब सूरज ऊपर हो, यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं किसी को भी ग्रीट करने के लिए। किसी को भी जैसे हम नमस्ते करते हैं हिंदुस्तान में, वैसे ही आप वहाँ पर कोनिचिवा कह सकते हैं। हाथ ऊपर उठा के भी कह सकते हैं, झुक करके भी कह सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि अंधेरे के बाद जब झुटपुटा हो जाता है उसके बाद कोनिचिवा नहीं कहा जाता है। पिछली बार हम लोगों ने गिनतियाँ करी हैं, 1 से 10 तक गिनती करी है, तो आइए आज 11 से 30 तक गिनती करते हैं। हमारे पीछे आप उसका अभ्यास करिएगा। जीव इची, जीव नी, जीव सान, जीव योन, जीव गो, जीव रोकु, जीव नाना, जीव हाची, जीव कु या जीव क्यू, निजू। यहाँ पर आपके लिए हिंदी में लिखा हुआ है जिससे आप उच्चारण सही प्रकार से कर सकें। ये चित्रलिपि में है जीव इची से लेकर के निजू तक, और ये हिरागाना में है, आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए है। घर में लिखिए और प्रैक्टिस करिए इसका। निजू इची, निजू नी, निजू सान, निजू योन या निजू शी, निजू गो, निजू रोकु, निजू नाना या शिची, निजू हाची, निजू क्यू, सांजू। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कांजी में लिखा हुआ है, यहाँ हिरागाना में है आपके अभ्यास के लिए, और हिंदी में यहाँ लिखा है आपको उच्चारण बताने के लिए। आप ये देखेंगे कि ये जो इसकी स्पेलिंग लिखी जाती है ये उच्चारण के आधार पर लिखी गई है। जैसे कि यहाँ पर है ज्यू, ये जो ऊ है ये आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जापानी में, ये एक लॉन्ग साउंड है इसलिए ऊ है। नी ज्यू, नी ज्यू इची, नी कम है और ज्यू लंबा है, इची फिर से छोटी साउंड है। तो इसी प्रकार से आप इसका उच्चारण करिएगा। अब हम लोगों ने पिछली बार व्यंजन किए थे, 3 सेट किए थे व्यंजन के, आज ये
त ध्वनि वाला व्यंजन है ता, और आप देखेंगे कि ता में पहली जो लकीर है वो हॉरिजॉन्टल है और दूसरी वाली वर्टिकल है। तो इसी प्रकार से इसको याद करिएगा, ता ची। ये जो ची है ये एक एक्सेप्शन है, ता के बाद ती साउंड नहीं है, ता ती की जगह ता और ची है, इसको आप ध्यान रखें, ये एक एक्सेप्शन है। और इसी के साथ साथ ये साउंड है सु, ये भी एक एक्सेप्शन है, आधा त और सु की ध्वनि है सु। ये और ये दोनों एक्सेप्शन है। ते और तो में पहला ये है और दूसरा सी की तरीके से, अंग्रेजी में सी की तरीके से बना दिया जाता है। इसमें आप साथ में देखेंगे यहाँ पे किस प्रकार से बनाया जाता है वो भी दिखाया गया है। इसी के साथ कुछ शब्द भी याद कर लीजिए, ये शब्द आपको बाद में वाक्य बनाने में बहुत आसानी देंगे। ता से ताको, जैसे क्लास वन में बच्चे करते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट, इसी तरीके से ता से ताको, ची से चीता, सु सुरु। आप देखिए यहाँ पे ये आधा साउंड बना हुआ है सुरु, तेगामी और तोकागे। कुछ और शब्द हैं ता से तांसु, और तस्वीर से आप बता सकते हैं कि ये क्या है, तामागो ताकीगी, सूखी लकड़ी जलाने के काम जो आती है, च्यूरिप फूल है, तोरी ते कागामी, ते माने हाथ और कागामी माने शीशा, ते कागामी हाथ का शीशा। दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया है ये, स्कूए तेंगो, आप देख ही सकते हैं कि वो क्या है, ते तेरे भी। अब ये आप देखेंगे यहाँ हिरागाना में नहीं लिखा है, यहाँ कताकाना में लिखा है, क्योंकि ये विदेशी शब्द है टेलीविजन तेरे भी, इसलिए उसको कताकाना में लिखा गया है। कुछ और अन्य नए शब्द हैं, ये सब शब्द आपको बाद में वाक्य बनाने में बहुत मदद करेंगे। तानुकी, और इसका जो हात्सुओन है, जो प्रोनंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो आप हमारे बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। तबाको, तबाको दोबारा से आप देखिए कताकाना में लिखा है, हिरागाना में नहीं लिखा है, क्योंकि ये बाहर का विदेशी शब्द है। तातेमोनो, चिकातेत्सु यानी कि सबवे, चीजू ये जापान का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके चार आइलैंड्स जो द्वीप हैं मुख्य वो दिखाए गए हैं। ची यानी कि खून, सुनामी आपको सबको पता है सुनामी क्या है, सुनामी का वास्तविक अर्थ है बहुत बड़ी बड़ी लहरें, बहुत बड़ी वेव्स, तो अब हम इसको ऐसे ट्रांसलेट कर सकते हैं समुद्री तूफान। तेबुकुरो यानी कि दस्ताने, ये भी दो शब्दों से बना हुआ है, ते और बुकुरो, यानी कि बुकुरो हुआ कोई भी लिफाफा और ते माने हाथ, तो कोई भी चीज़ जो हाथ के ऊपर हो उसे ते बुकुरो कहते हैं। तोरा, टोमाटो, और फिर से आप देखेंगे ये यहाँ पे कताकाना में है। अब न ध्वनि है ना, उसी तरीके से उसी प्रकार से जैसे आपने पहले किया था, यहाँ पे आप उसका अभ्यास करेंगे और ना बनाएंगे, ना नी नू ने और नो। ये बात ख़ास ध्यान में रहे कि ये पहले बना करके और तब इसको बड़ा करके और नीचे लाया जाता है, जितना आप प्रोपोर्शनेट बनाएंगे उतना ही सुंदर लगेगा। जापानी लिपि जो है
बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए उसमें कि वो देखने में भी कैसी लग रही है। ना से कुछ शब्द हैं नासु, निंजिन, नेजुमी, नेको, नोकोगिरी। अन्य और शब्द हैं नाबे, नामिदा, निजी, न्यूस, नुरु, नेजी, नेको, नुमा, नोदो, नोग्यो। यहाँ आप देखेंगे बड़ी साउंड है, लंबी साउंड है नोग्यो, नोग्यो। हा, ही, हु। अब ये थोड़ा सा बोलने में अलग है, हा ही हु नहीं है, फू है। जैसे आप फूकते हैं उस तरीके से आवाज़ निकालिए, हु, हा ही हु, हे हो। और इसका जुम्बान, इसका सीरियल ज़रूर ध्यान में रखिए कि कौन सी लकीर पहले बनानी है। इसका कारण आपको तब समझ में आएगा जब हम लोग कांजी लिपि करेंगे। ह ध्वनि से कुछ शब्द हैं हा, हाना, ही, हित्सुजी, हु, हुने, हे, हेचिमा, हो, होरेंसो। और आप आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। कुछ अन्य शब्द हाना, हाची, हाची आपने पहले भी किया है। हाची का अर्थ आठ भी है और हाची मधुमक्खी को भी कहते हैं। हसामी, हिगे, फुसुमा, होकी, हुने, होसेकी, होन। पिछली बार की तरीके से आइए उच्चारण का अभ्यास भी कर लें जिससे आपको ये सब शब्द बोलने में आसानी हो। आ ए उ ओ, हो ही है हो। आ ई ए ओ, साशी सुसे, केकी केको, सेशी सुसो, काकी केको, ताची त्सुते, कोकी किके, तेची तातो, ए ई ए ओ, तेची तात्सु, ओ ई ए ओ, तोची त्सुते, ओ ई उ ई, साशी सुसे, आ ई आ उ, सोशी सेसो, साशी सुसे, नानी नूने, सेशी सुसो, नैनी नूनो। तो ये तो आपका उच्चारण अभ्यास और आपके कुछ हिरागाना के बारे में आपको बताया और अभ्यास आपने किया। इसके आगे आज हम लोग करेंगे अपने लेसन में किस प्रकार से हम अपने आप को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी से। तो मैं तानाका हूँ ये हम कैसे जापानी में कहेंगे, या मैं जो भी आपका नाम है वो हूँ ये हम कैसे कहेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, मिलवाएंगे। जापानी लोग झुक करके अपना नाम बताते हैं। तो आइए ये ऑडियो पहले सुनिए और फिर उसके बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताएंगे। हाजिमेमाश्ते, वाताशि वा मीरा देसु, इंदो जिन देसु, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। हाजिमेमाश्ते, वाताशि वा तानाका देसु, निहोन जिन देसु, दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमासु। तो अभी आपने ये ऑडियो सुना, आपने देखा कि इसमें दो लोग हैं, वो लोग अपने आप को
अपना परिचय दे रहे हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक दूसरे से। तो उन्होंने क्या कहा इसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। हजिमे माश्ते वाताशी वा मीरा देस इंदो जिन देस दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। और दूसरे जो जापानी हैं तानाका सान, वो कहते हैं हजिमे माश्ते वाताशी वा तानाका देस निहोन जिन देस योरोशिकु ओनेगाई शिमास। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका अर्थ क्या है। देखिए जापान में पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, पहली बार जब आप किसी से भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना परिचय देते हैं, तब आप ये जो फ्रेज है पूरी ये प्रयोग करते हैं इसका, हजिमे माश्ते। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, इसका ये अर्थ है आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई। दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। अब इसका क्या अर्थ है, दोजो योरोशिकु जो शब्द है वो हजिमे माश्ते के बाद ही प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ है मैं आपसे आगे भी संपर्क रखना चाहूँगा। और इसमें बहुत सारी अन्य चीज़ें भी हैं जो जुड़ी हुई हैं दोजो योरोशिकु में। व्यक्ति अपने आप को बहुत हम्बल होकर के इंट्रोड्यूस करता है, झुक करके इंट्रोड्यूस करता है, मिलता है, तो उस समय ये दोजो योरोशिकु प्रयोग किया जाता है और इसके बाद कहा जाता है ओनेगाई शिमास, जिसका वास्तविक अर्थ है प्लीज़। अंग्रेजी में जैसे हम कहते हैं प्लीज़, सो हिंदी में आप कह सकते हैं मेरा सविनय निवेदन स्वीकार करें, इससे मिलता जुलता है। हजिमे माश्ते दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास, इसका पूरा अर्थ बनता है आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आगे भी संपर्क रखना चाहूँगा और मेरा सविनय निवेदन स्वीकार करें। यानी कि बेसिकली इसका अर्थ है आपसे मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। तो ये बहुत ही एक कल्चरल चीज़ है जो जापानी लोग करते हैं, जापान में किया जाता है। पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, जब अपना परिचय देते हैं, तभी आप ये हजिमे माश्ते दोजो योरोशिकु ओनेगाई शिमास का प्रयोग करते हैं। हर बार मिलने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसमें वाताशी वा मीरा देस, इसमें ये पार्टिकल वा है। अब पार्टिकल क्या है, पार्टिकल्स जो हैं जापानी भाषा में वो शब्द हैं जो अन्य शब्दों को जोड़कर संज्ञा को या और अन्य क्रिया को या सर्वनाम को विशेषण को जोड़कर पूरा वाक्य बनाते हैं और उसको एक मीनिंग देते हैं। पार्टिकल वा जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है, बहुत एक ज़रूरी पार्टिकल है। इसके बिना एक तो कोई वाक्य पूरा नहीं होता है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट या टॉपिक को बताता है, दर्शाता है कि ये चीज़ हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं। पार्टिकल वा हमेशा जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगाया जाएगा, क्योंकि जो भी हमारा टॉपिक होगा वो या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। तो जैसे कि वाताशी वा राओ देस, मैं राओ हूँ, तो यहाँ पे वाताशी वा मैं, यानी कि मैं राओ। अब इसमें एक अंत में था वाताशी वा मीरा देस। वाताशी आपको पता चल गया, वाताशी आपने पहले भी किया है, मैं, अभी आपने वा किया जो कि एक पार्टिकल है, और आपने राव लगाया वहाँ पे, राव जिनका नाम है उन्होंने अपना नाम बताया, और देस ये क्या चीज़ है, ये क्रिया है। और जैसे कि हिंदी में आपने देखा है कि वाक्य के अंत में क्रिया आती है, उसी प्रकार जापानी भाषा में भी वाक्य के अंत में ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है और वो क्रिया है देस। वाताशी वा गाकुसे देस, मैं विद्यार्थी हूँ। तो इसका आप अभ्यास भी कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, अपना नाम लेकर के, किसी और का नाम लेकर के। अब यहाँ आपको कुछ जापानी नाम दिख रहे हैं, तानाका सुजुकी मुराकामी मात्सुमोतो निशिमुरा होंडा यामामोतो इनोउए नाकामुरा। आपको एक बात बताएं, इसमें जापान में करीब 150 साल पहले तक आम आदमी को
सरनेम रखने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन करीब 150 वर्ष पहले एक बहुत प्रसिद्ध राजा थे, उनके एम्परर थे, मेजी एम्परर, उनके समय पे उन्होंने सबको नाम रखने की इजाज़त दी और तब ये नाम सबको मिले। अब ये नाम, इतने सारे लोगों के लिए नाम रखना तो बहुत मुश्किल था, कठिन था, तो इसलिए जो जहाँ रह रहा था उसने वहाँ का नाम रख लिया। जैसे कि आपने निशिमुरा रख लिया नाम, वेस्ट में कोई गांव है उसका आपने नाम रख लिया, या आपने तनाका रख लिया, या आपने नाकामुरा रख लिया। मुरा गांव को कहते हैं और नाका माने अंदर हुआ, तो गांव के अंदर। तो इस प्रकार से तरह तरह से लोगों ने अपने नाम रख लिए और उनको एक मीनिंग भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें चित्रलिपि इन्वॉल्व्ड है, इसलिए उससे मीनिंग भी पता चल जाता है कि ये क्या अर्थ है इसका। अब हमें जो नाम दिया जाता है परिवार से, जैसे तारो, इचिरो, केंता, आकियो, तेराओ, तो ये सब लड़कों के नाम हैं और ज़्यादातर लड़कों के नाम के बाद ओ या ता लगाने की प्रथा है। तेराओसान जो हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़े एक सुमो रेसलर थे, ये बहुत ही तारो बहुत ही कॉमन नाम है जापान में, इचिरो बहुत कॉमन नाम है, और यहाँ पे आप कुछ देखेंगे मोमोको, मारिको, हनाको, तो लड़कियों के नाम के आगे हमेशा को लगाया जाता है, ज़्यादातर, हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, ज़्यादातर को लगाया जाता है, जैसे हिंदुस्तान में देवी या कुमारी लगाते हैं उसी प्रकार वहाँ पे को लगाने की प्रथा है। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं उनके। जापान में मिस्टर, मिसेज और मिस का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर सान लगाने की प्रथा है, सान। और सान क्या है? नाम के बाद सान लगाया जाता है, आदर देने के लिए सान लगाया जाता है, जैसे हम नाम के बाद जी लगाते हैं उसी प्रकार वहाँ सान लगता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कावाकामी सान, कावागुची सान, कासाहारा सान। अगर आपसे कोई बड़ा है और आप बहुत ज़्यादा इज्जत देना चाहते हैं, या आप चिट्ठी लिख रहे हैं या उन्हें कुछ सामान भेज रहे हैं, उस समय आप सामा का भी प्रयोग कर सकते हैं। लड़कों के नाम के आगे कुन लगता है, तारो कुन, तारो जी, जैसे तारो कुन, और लड़कियों के नाम के आगे अक्सर चान लगा दिया जाता है, जैसे सकुरा चान। अब देखिए, ये अभी आपने परिचय किया है, आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है आपने, तो ये कैसे किया जाएगा? आप देखिए, ये दो लोग हैं, जापानी हैं, राओसान हैं, और उनको कोई जना इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो वो बताते हैं कोचिरावा राओसान देस, कि ये राओसान हैं। तो राओसान उसके बाद क्या कहेंगे जो आपने सीखा था? वो कहेंगे हजिमे माश्ते राओ देस, योरोशको ओनेगाई शिमास, यानी कि मैं राओ हूँ, योरोशको ओनेगाई शिमास। इधर तानाका सान है तो वो कहते हैं योरोशको तानाका देस, वो उल्टा कर देते हैं उसका, और इसी प्रकार से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्होंने पूरा दोजो योरोशको ओनेगाई शिमास का प्रयोग तानाका सान ने नहीं किया है, शायद वो बड़े हैं उम्र में इसलिए वो कर सकते हैं। अभी आपने तस्वीर पहले भी देखी थी, इसमें ये दो जने, जो राव सान समझ लीजिए और तानाका सान समझ लीजिए, ये दोनों अपना बिजनेस कार्ड दे रहे हैं। तो जापान में ये बहुत प्रचलित है कि आप जब भी किसी से मिलिए तो उसको तुरंत अपना बिजनेस कार्ड दीजिए और झुक करके दोनों हाथों से सामने वाले को नाम बताते हुए, हजिमे माश्ते कहते हुए कार्ड दिया जाता है। बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से आप कोई कार्य करते हैं ये भी बहुत आवश्यक है। अब आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, मैं तानाका हूँ, वाताशिवा तानाका देस, तो यहाँ पे खाली स्थान पे आप नाम लेकर के, जापानी नाम जो भी आपने किए वो याद करके आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं और इससे अभ्यास कर सकते हैं। वाताशिवा सुजुकी देस, वाताशिवा मुराकामी देस, आप हमारे बाद भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। वाताशिवा, अब आप अपना नाम यहाँ लगा करके और कह सकते हैं और परिचय दे सकते हैं अपना, वाताशिवा
दिस। दोबारा से जो भी नाम आपको समझ में आए वो आप लगा करके अपना परिचय दीजिए। वाताशिवा मात्सुमोतो देस, वाताशिवा निशिमुरा देस। तो इस प्रकार आप अपने दोस्त के सामने इसका अभ्यास कर सकते हैं। अभी आपने नाम किया है, नाम की जगह अगर आप व्यवसाय लगा दीजिए कि आप क्या हैं, आप एस्ट्रोनॉट हैं, आप टीचर हैं, आप नर्स हैं, आप शेफ हैं, आप कुछ भी लगा करके उसी प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। वाताशिवा यू बी या सान देस, वाताशिवा एया होस्टेस देस। देखिए साकाना या सान तो कोया बारबर, निकुया सान केकान किकोरी, शोबोशी क्योशी, ओइशा सान कांगोफु। अब आप इसी प्रकार से यहाँ व्यवसाय लगा करके इधर खाली स्थान पर व्यवसाय लगा करके अभ्यास कर सकते हैं। ईशा, वाताशिवा ईशा देस, वाताशिवा कांगोफु देस, वाताशिवा हिशो देस, वाताशिवा शुफु देस। अब बताइए ये क्या है, ये तस्वीर में आपको क्या लग रहा है? वाताशिवा गक्से देस, आपको ये क्या लग रहा है, ये कौन है? वाताशिवा शुफु देस, ये दो जने कौन है, क्या करते हैं, इनका क्या व्यवसाय है या ये क्या करते हैं? वाताशिवा बेंगोशी देस। तो इस प्रकार से आप व्यवसाय का भी अभ्यास कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ। तो आइए आज हम लोग चित्रलिपि का भी अभ्यास करते हैं। अभी आपने गिनतियां करी हैं तो हम एक से छः तक आज चित्रलिपि करते हैं। ये देखिए बहुत ही साधारण है, एक सीधी लकीर है यहाँ पे और इस तरीके से इची बनाया जाता है। चीन में इची कैसे दिखाया जाता है आप देखिए, इस तरीके से दिखाया जाता है, इसीलिए ये एक सीधी लकीर है। दो या नी, दो लकीरें हैं, एक छोटी है और दूसरी बड़ी है, तो इस प्रकार से नी दिखाया जाता है। अब देखिए इसको, ये आता कहाँ से या बनता कैसे है, ये देखिए दो है और इस प्रकार से दो लकीरें दिखा दी जाती हैं। अब जहाँ पे भी आप देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये नी है, यानी कि दो। तीन सान, इसमें ध्यान ये रखना है कि पहली लकीर ये है, दूसरी उससे छोटी है और तीसरी सबसे बड़ी है। आप देखिए एक ये है, दूसरी छोटी और तीसरी बड़ी है, तीन। और ये कैसे दिखाया जाता है, तीन। चार शी, चार थोड़ा सा अलग है, चार लाइनें नहीं हैं। देखिए अंगूठे को अंदर करके अगर आप करेंगे और देखेंगे तो वो बिल्कुल इस तरीके से आएगा और जब आप उसको बनाएंगे तो वो ऐसे बनाया जाएगा। अब इसका ऑर्डर जो है वो आपको ध्यान रखना है, एक दो तीन चार और पाँच। तो पांच लकीरों का ये एक कांजी कैरेक्टर है शी, जिसे योन भी कहते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे आप बना सकते हैं इच्ची नी सान और योन। अब देखिए पांच है गो, जिसे गो कहते हैं, आपने किया है, इसको कैसे बनाते हैं, एक दो तीन और चार। एक बार फिर बना दें आपके लिए, एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार। देखिए इस तरीके से बनता है।
पुराने जमाने में काउंटिंग ऐसे ही होती थी, दो और ये तीन मिला करके पांच की काउंटिंग होती थी, इसलिए इसको इस प्रकार से बना दिया गया है। और ये है छः, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए, एक दो तीन और चार, तो चार स्ट्रोक्स की ये कांजी है, चार लकीरों की ये कांजी है। एक बार फिर बना दें आपके लिए, एक दो तीन और चार, और ये ऐसे बनती है। ये एक पोर्शन है इसका, ये दो इधर आ गए और लकीर है, तो रोकू। तो आपने किया इची नी सान शी गो और रोकू। इस प्रकार से आप याद रखिए, छः कांजी है आज। अब हमने आपसे वादा किया था कि आपको एक मुहावरा ज़रूर सिखाएंगे जापानी का। ये बहुत ही अच्छा मुहावरा है और बहुत ही ज़्यादा जापान में लोकप्रिय भी है, सारुमो की करा ओचिरु। इसका अर्थ क्या है? सारु जो कि पेड़ से पेड़ पर ही कूदता है और बहुत चालाक चतुर होता है, गिरने की कोई संभावना नहीं होती है क्योंकि पेड़ों पर ही रहता है, लेकिन सारू के जैसा जानवर भी कभी कभी गिर जाता है। ये जो मुहावरा है, ये जो कोतवाज़ा है, ये हमें बहुत ताकत देता है, बहुत हिम्मत देता है कोई काम करने के लिए, कि कभी भी गिरने से आप घबराइए नहीं, कभी भी बुरा नहीं मानिए, हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। बड़े से बड़े लोग गलती करते हैं, लेकिन गलती करके उठना सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे उठते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं और फिर कैसे आगे बढ़ते हैं, ये आवश्यक है। इसलिए ये मुहावरा ज़रूर याद रखिए कि कांजी हम लोग सीख रहे हैं, जापानी भाषा सीख रहे हैं, गलती ज़रूर करेंगे, गलतियाँ होंगी, हम लोग गिरेंगे, लेकिन फिर से हम उठेंगे और हम फिर से प्रयास करेंगे और उसको हम लोग सीखेंगे। तो सारुमो की करा ओचिरु। एक और बात है इस मुहावरे में जो कि हमें बहुत बड़ी सीख देती है, और वो ये है कि कभी भी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट अगर कोई होता है तो वो ज़रूर गिर ही जाएगा व्यक्ति। इसलिए हमेशा सीखने की इच्छा रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए किसी चीज़ में, और हमेशा गिर करके उठने की हिम्मत रखिए। तो ये मुहावरा बहुत ही अच्छा है और ज़रूर इसको याद रखिए आप लोग। सारु मो की करा ओचिरु। सारु मो की माने पेड़, करा ओचिरु फ्रॉम, सो बंदर भी पेड़ से गिर सकते हैं, इवन मंकीज फॉल फ्रॉम ट्रीज। द बेस्ट ऑफ पीपल कैन ऑल्सो मेक अ मिस्टेक। आपके लिए कुछ नए शब्द हैं, दाइगाक्से, रियोगाक्से, क्योजू, सेंसे, सान्नेंसे, उन्तेंशु, केंक्यूएन, केंक्यूसे, जोशु। तो ये कुछ आपके लिए नए शब्द थे, इनका प्रयोग करिए जैसे आपने नाम के लिए प्रयोग किया है। वाताशिवा राव देस, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। वाताशिवा दाइगाक्से देस, वाताशिवा रियोगाक्से देस, वाताशिवा क्योजू देस, वाताशिवा सेंसे देस। वैसे अपने लिए सेंसे का कभी प्रयोग नहीं किया जाता है, सेंसे एक टाइटल है, तो इसका इतना न प्रयोग करें, बाकी सबका आप प्रयोग कर सकते हैं। वाताशिवा उन्तेंशु देस, तो इस प्रकार से आप रेंशु कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं अपने दोस्त के साथ, और धीरे धीरे आपकी जापानी भाषा इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो अब इसके साथ हम अपना आज का क्लास जो है ख़त्म करते हैं, और आपके लिए गृह कार्य है ये बहुत सारा। इसमें आप सही या गलत बताइए कि क्या सही, आपसे प्रश्न पूछा गया है तो आप सही बताइए कि क्या है और क्या गलत है, सही चीज़ कही गई है या गलत कही गई है। फिर ये दो कॉलम्स हैं और ब, इसमें
जापानी में शब्द लिखे गए हैं और हिंदी में उनके अर्थ हैं, तो आप उनको मैच करिए और बताइए कौन से सही हैं। कुछ चित्र हैं, इनके नाम लिखिए हिरागाना में, इससे आपका हिरागाना का अभ्यास होगा। और व्यवसाय दिए गए हैं, तो जैसा कि आपने अभी आगे अभ्यास किया है उसी प्रकार से आप इसका अभ्यास करके देखिए। इसी के साथ आज का ये क्लास हम ख़त्म करते हैं और अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी जापानी भाषा का अभ्यास करिए जो आज आपने किया है। अरिगातो, थैंक यू, धन्यवाद।